नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कैप्टेक इन्फो में। और आज बताने जा रहे हैं कि फरवरी माह के टोकन वेरीफाई की तिथि बढ़ा दी गई है और उसको 10 मार्च तक कर दिया गया है। उसके रिगार्डिंग आपका पत्र आ गया है और अनुरोध है कि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेगा, नया नया नोटिफिकेशन आपको जैसा जैसा अपडेट आएगा वैसे बताते रहेंगे हम आपको। चलिए, पत्र संख्या है 1210, 26 फरवरी 2021 को आया है, सभी जिला को आया है और सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को, पूरे जिले से लेकर परियोजना तक ये पत्र भेजे गए हैं। और इस पत्र में पूरा पत्र नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यही पत्र हर बार आ रहा है, सिर्फ यही दिखा रहे हैं कि देख लीजिए। इसमें फरवरी 2021 का प्रतिवेदन अत्यंत धीमी रहने के कारण दिनांक 10 मार्च 2021 तक तिथि विस्तारित करते हुए माह फरवरी 2021 का पोषाहार वितरण कूपन OTP के माध्यम से किया जाए। पुनः निर्देश प्राप्त हो गया है कि फरवरी माह का आप टोकन 10 मार्च तक सत्यापित कर सकते हैं। तो इसमें अब आपको फिर फरवरी माह में समस्या आ रही थी, कोई कोई द्वारा कमेंट किया जा रहा था कि फरवरी माह का लिस्ट लोड नहीं हो रहा है और सत्यापन नहीं। तो चलिए इसके बारे में बताएंगे कि फरवरी माह का कैसे टोकन वेरीफाई किया जाए। तो ये हम लोग सीधे ऐप पर आ गए हैं। ऐप पर सीधे क्या करना है, सिंक्रनाइज कर देना है। सिंक्रनाइज करते आपको नया डेटा आ जाएगा। सिंक्रनाइज सक्सेसफुल हो गया मेरा। अब करेंगे नया बेनिफिशियरी सूची लोड कर, देख लीजिए यही दोनों है। सिंक्रनाइज सबसे पहले हर बार खोलते समय आपको करना है, अगर कोई डेटा पेंडिंग नहीं है तो। डेटा पेंडिंग रहता है तो सिंक्रनाइज करे पर क्लिक करे पर थोड़ा सा कम असर होता है, इसलिए डेटा कोई काम कर रहे हैं तो अपलोड टू सर्वर जरूर कर दीजिए और उसके बाद सिंक्रोनाइज पर क्लिक करिए। तो सिंक्रोनाइज पर हम क्लिक कर चुके हैं। इसके बाद करेंगे नया बेनिफिशियरी सूची लोड करे पर क्लिक किए। बेनिफिशियरी सूची हमको फरवरी माह का लोड करना है तो फरवरी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, गेट रिकॉर्ड्स करेंगे। गेट रिकॉर्ड्स करने के बाद फरवरी माह की जितनी सूची होगी जो अभी तक सत्यापित नहीं हुआ है वो आ जाएगा। तो हम अभी कर दिए, सफलतापूर्वक सिंक किया गया। अब इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, कैंसिल पर क्लिक करेंगे तो ये जो बॉक्स है वो हट जाएगा। हट गया। अब OTP सत्यापित, ये दो काम हम कर चुके, सिंक करें और नया बेनिफिशियरी सूची लोड करें, दोनों पर हम काम कर चुके हैं। अब करेंगे OTP सत्यापित, तीन ऑप्शन है, तीनों को काम करना है तभी आपका एक्टिव सेम मंथ सूची लोड करें। देखिए अभी तो कोई रिकॉर्ड नहीं दिखा रहा है, हमने वहां फरवरी माह का सूची लोड किया है तो यहाँ भी फरवरी माह खोलेंगे। देखिए आ गया फरवरी माह खोलते हैं हम लोग का। तो इसके बाद हम अपना जो टोकन लिए हैं लाभुक से वो डालेंगे, सत्यापित करेंगे। सही रहता है तो ऑटोमेटिक सत्यापित लिख कर देता है ये। उसके बाद अपलोड टू सर्वर कर देंगे। अपलोड टू सर्वर करेंगे बेनिफिशियरी मेरा माइनस होते जाएगा। और ऐसे ऐसे वीडियो आप पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाले हर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो और बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए और आप अपना समय देने के लिए।